तीस नफ्सियाती हकायक जो आपका खुद के मुतल्लक सोचने का अंदाज बदल देंगे। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। जिस दिन आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो उस दिन आप ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। उल्टी गिनती आपके दिल की धड़कन को तेज करती है। नौजवानों में खुद पर कंट्रोल कम होता है, वो इंतहाई जज्बाती होते हैं। जज्बाती लोगों की आंखें नम हो जाती हैं जब इनके ख्वाब पूरे होते हैं। आप नींद के बगैर भी ख्वाब देख सकते हैं, जिसे फ़ाल ख्वाब देखना कहा जाता है। इसका ताल्लुक गहरी तखय्युल से है। खुदगर्ज लोग अपनी कामयाबी के बारे में बहुत बातें करते हैं। हमारी नफ्सियात कहती है कि अगर कोई शख्स ऐनक पहनता है तो वो ज़हीन होता है। आप आंखों से किसी शख्स के किरदार और रवैये को पहचान सकते हैं। नाबीना अफराद आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हसास होते हैं। अगर आप अपने अहदाफ का ऐलान दूसरों को करते हैं तो आपके कामयाब होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अगर आपको ख्वाब में भूत नजर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको नई दोस्ती या रिश्ता शुरू करते हुए होशियार रहना होगा। जो लोग अक्सर खुद ही से बात करते हैं, इनका आईक्यू लेवल दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होता है। अहमकाना सवाल का फौरी जवाब देने के काबिल होना सेहतमंद दिमाग की अलामत है। नौजवान दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खतरा मोल लेते हैं। 35% कायदियाना खसूसियात पैदाइशी तौर पर होती हैं। अगर आपको ये लगे कि किसी ने आपको बुलाया जबकि किसी ने ना बुलाया हो तो आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा एक्टिव है। रात को जल्दी नींद ना आने का मतलब है कि आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा एक्टिव है, जिसको अनएक्टिव होने में कुछ देर लगेगी। नफ्सियात कहती है कि मजाज में फौरी तब्दीली का मतलब है कि आप किसी को याद कर रहे हैं। वो लोग जो अपने जज्बात को छुपाते हैं आमतौर पर सबसे ज्यादा परवाह करने वाले होते हैं। अगर आप किसी के साथ अपने मसाइल शेयर नहीं करते तो आप जहनी तौर पर मजबूत हैं। पढ़ने के बाद सोना याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है और दिमाग को मालूमात को मजीद प्रोसेस करने और याद करने की इजाज़त देता है। अगर कोई हमेशा आपके जहन में रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तकरीबन 20% नौजवानों को बालग होने से पहले ही डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आमतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। बहुत से नौजवान जो 9 से 8 घंटे से कम सोते हैं वो चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
अगर कोई खूबसूरत चीज़ों और अहमकाना बातों पर गुस्सा करे तो उसे मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर कोई कम बोले लेकिन तेज़ बोले तो वो अपने अंदर कुछ राज रखता है। जो लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत ख्याली बातें करते हैं तो उनका एतमाद अच्छा होता है। अगर कोई अहमकाना बातों पर भी ज़्यादा हंसता है तो वो अंदर से खाली है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर रोता है तो वो मासूम और नरम दिल है।